नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पीसीसी चीफ कमलनाथ पहुंचे विदिशा के कुरवाई, हेलीकॉप्टर से पहुंचे कुरवाई। हेलीपैड पर कांग्रेस नेताओं ने किया पीसीसी चीफ कमलनाथ का स्वागत। कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को किया संबोधित। भाजपा सरकार पर लगाए गंभीर आरोप, उद्बोधन के दौरान रो पड़ी कांग्रेस प्रत्याशी। विदिशा के कुरवाई पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कुरवाई बस स्टैंड पर आयोजित जनसभा में प्रदेश की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए लोगों से सच का साथ देने की अपील की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा, हमारा देश जैसा देश पूरे विश्व में नहीं है। यहां सभी जाति धर्म के लोग प्रेम से रहते हैं, ऐसा देश पूरे विश्व में नहीं है। उन्होंने प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डुबो दिया है। आज प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, यह कैसा प्रदेश शिवराज ने बना दिया। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आरोप लगाया कि प्रदेश में कमीशन का खेल चल रहा है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। आम सभा में उद्बोधन के दौरान कुरवाई से कांग्रेस उम्मीदवार रानी अहिरवार भावुक होकर रो पड़ी और नतमस्तक होकर जनता से आशीर्वाद मांगा। कांग्रेस की इस जनसभा के दौरान पूर्व सांसद सुरेंद्र सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपचंद यादव, जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश कटारे शमशाबाद से, उम्मीदवार सिंधु विक्रम सिंह सिरोन से, कांग्रेस उम्मीदवार गगनेंद्र रघुवंशी सहित तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।